Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. चुनावी साल में दल बदल का खेल कोई नई बात नहीं है, लेकिन जेडीयू ने आरजेडी के विधायकों को तोड़ने का सिलसिला जो शुरू किया है या कुछ अलग ही संकेत दे रहे हैं। दरअसल इस बार के दल बदल में जो जातिगत समीकरण उभर कर आ रहा है वो चौंका रहा है। अभी तक राजद के 6 विधायक जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो चुके हैं और इसमें ज़्यादातर लालू के बेहद खास समीकरण यादव और मुस्लिम समीकरण से हैं। महेश्वर यादव, जयवर्धन यादव, चंद्रिका राय और फराज फातमी, ये चारों लालू की MOI समीकरण से ताल्लुक रखते हैं। अब सवाल उठने लगा है कि नीतीश कुमार लालू यादव के MOI समीकरण को ही क्यों तोड़ रहे हैं, तो वो भी तब माना जाता है कि समीकरण लालू के साथ आज भी मजबूती से खड़ा है। सूत्र बताते हैं कि अभी कई और राजद विधायक जो MOI समीकरण के तहत आते हैं जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। दरअसल इसके पीछे तेजस्वी की ओर राजनीति है जिसने जेडीयू को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है। हाल ही के दिनों में तेजस्वी यादव ने MOI समीकरण के अलावा कई दूसरी जातियों को रिझाने की कोशिश शुरू की है। इसी के तहत जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना राजपूत वोटर को मैसेज देने की कोशिश की। इसके बाद तेजस्वी ने पार्टी में अति पिछड़ों को संगठन से लेकर टिकट देने में प्रमुखता देने की बात भी कही। दलित नेता श्याम रजक को पार्टी में शामिल कर और पार्टी के दलित नेताओं को आगे कर जेडीयू पर हमला बोलने की रणनीति से भी नीतीश चौकन्ने हो गए हैं। वहीं कुशवाहा वोटरों को रुझाने के लिए रामाश्रय कुशवाहा के हत्या के मामले की CBI जांच कराने के लिए तेजस्वी के अभियान ने जेडीयू के कान खड़े कर दिए हैं। ये तमाम राजनीतिक गतिविधि आने वाले विधानसभा चुनाव में NDA खासकर जेडीयू को नुकसान पहुंचा सकता है। सूत्र बताते हैं कि जेडीयू के रणनीतिकारों ने तय किया है कि तेजस्वी का मजबूत समीकरण MOI पर हमला बोला जाए तो तेजस्वी को समस्या हो सकती है, क्योंकि ऐसे हालात में तेजस्वी यादव अपने समीकरण को बचाने में उलझेंगे जिसका फायदा NDA उठा सकती है। इसी रणनीति के तहत जेडीयू ने MOI समीकरण को तोड़ने की कोशिश जेडीयू ने तेज कर दी है। आने वाले समय में यह रणनीति अभी और भी तेज हो सकती है। जेडीयू नेता और मंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम कोई जातीय रणनीति पर काम नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी ने कभी भी जाति और धर्म देखकर राजनीति नहीं की है। तमाम जाति और धर्म के लोग हमारे साथ हैं, लेकिन जिन्हें अपने समीकरण पर घमंड था आज वो समीकरण भी उनके साथ नहीं है। वहीं राजद के विजय प्रकाश कहते हैं कि कुछ मौकापरस्त विधायकों को तोड़ लेने भर से राजद को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कभी भी समीकरण को ध्यान में रखकर सियासत नहीं करते। हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के विकास के लिए राजनीति करते हैं। बहरहाल बिहार के सियासत में वे एक बहरहाल बिहार की सियासत में वे एक ले गए तो 3 ले आएंगे की रणनीति आगे बढ़ रही है। खासतौर पर जेडीयू और आरजेडी के बीच इस रस्साकशी में कौन बाजी मारता है यह तो विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस बीच बिहार की जनता सियासत और नेताओं की प्रतिबद्धता बदलने का खेल जरूर देखती रहेगी। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।